खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। अंबेडकर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई द्वारा अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कई ट्रैक्टर ट्रालियों के चालान भी काटे गए। वहीं परिवहन करते हुए ने पकड़ा भी गया। आज की जो कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है, उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढ़ा साहब का और माननीय डीएम साहब का निर्देश था। अभी एक मीटिंग थी, मीटिंग में उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो भी वाहन, खासतौर से ट्रैक्टर ट्रॉली जो वाहन अवैध रूप से शहर में घुस के आ रहे हैं, जिन पे जो अपना रेत और भसुआ लेके आते हैं और शहर के अंदर घुसाते हैं, और इसी ट्रैक्टर ट्रॉली की चेकिंग जो की जा रही है, उसमें जो अभी 3 दिन पहले घटना हुई, एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी, इसको देखते हुए सख्ती की जा रही है। और हमारे द्वारा 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जिनमें कि रेत और भसुआ भरा हुआ था, वो पकड़े गए हैं, और माइनिंग वालों को भी इसकी सूचना दे दी गई और RTO साहब को भी मेरे द्वारा बता दिया गया है। तो क्या कार्रवाई होगी इसमें? यातायात पुलिस अपने जो कार्रवाई कर रही है, उसके साथ साथ माइनिंग वाले और RTO साहब, RTO विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। कि अवैध उत्खनन की कार्रवाई लगातार चल रही है। रेत उत्खनन में हमने कल भी एक JCB और ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पनडुब्बी मशीन तोड़ी गई है सिंध नदी श्यामपुर गांव में, गुना तहसील में है ये। और इसके अलावा अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से की जा रही है, और इसके लिए कल चेक पॉइंट भी लगाया गया था मालपुर तिराहे पर, और आज भी ट्रैफिक के साथ में खनिज के द्वारा कार्रवाई की गई है। अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है और कार्रवाई लगातार चालू है।